हाँ भाई, क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी, हमें नौकरी चाहिए। अरे अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। ले भाई इसे। भैया जी, हमें भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं दे रहा हूँ, दे, मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टैक्सी वाला तेरी क्या मदद कर सकता है? 50 रुपए से ज्यादा औकात नहीं है, रख ले इसे तू। भैया, तुझे भी नौकरी चाहिए? इसकी माँ का ना का, ये तुम लोगों का कोई गैंग बैंग तो नहीं है? बे मतलब साला, एक को दिया तो दूसरा आ गया। भैया, मैंने कहा टैक्सी आपकी है। नहीं नहीं, तेरे बाप की है, खरीदेगा। भैया मैंने कहा मुझे अंधेरी उड़ जाना है। हाँ जी, चलोगे? ये कौन सी जगह है बे? भैया जी, हम तो यहाँ नए शहर में, बता जाने। ये कौन सी जगह है बे? अंधेरी पू। एक मिनट, पू। हाँ, पू के आगे वो और वो के ऊपर उल्टी डंडी का मपात्रा। चुप, स्पीड ब्रेकर साले। एक ऊपर पू, फिर डंडी, फिर मल्टी, फिर कल्टी, फिर मात्रा, क्या समझा रहा है भैया जी? अरे तू रखना यार, एक आदमी से तो निपटने दे मुझे। आराम से समझाए, अंधेरी पुल कहाँ है? ये अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा है। अंग्रेजी में ईस्ट और ऐसे बोलना। इसको अंधेरी ईस्ट जाने का है, पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ूंगा, फिर इसे अंधेरी ईस्ट छोड़ूंगा, यानी 500-600 की कमाई, यानी खत्म लड़ाई, बीबी को सीधे ले जाऊंगा सिनेमा हॉल। चल तू टैक्सी में बैठ। देख, पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ने का है, उसके बाद तुझे अंधेरी छोड़ूंगा, ठीक? टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं, फुट, दूसरी टैक्सी पकड़ ले ना। वैसे अंधेरी तक यहाँ से जाने में तुझसे 350-350 रुपये आदमी ले लेगा, मैं तुझसे 250 लेता हूँ, तेरी मर्जी, बैठना हो बैठ, नहीं तो फूट ले, दूसरी टैक्सी पकड़ ले। ठीक है भैया, चल चल बैठ 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 टैक्सी में। भैया जी, अरे तू रखना मेरे भाया, 50 रुपया दिया, 500 का भाड़ा मिला, तू कल भी मिलना। भैया इसमें क्या लिखा है? अरे यहाँ नौकरी दी जाती है, देश विदेशों में भेजा जाता है, जा जा, तुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ? जा। संभालूं सारे बाबा। ये वामन डब्बा वाला, उस दिन इसको विलियम को डब्बा देने का था और डब्बे का पैसा भी लेने का था। ये भी इस स्टोरी का एक टेंशन देने वाला सफरचंद इडियट साबित हुआ। अरे देवा, अरे देवा, काय पाउस मचे, बंद है। मालूम है, तभी तो घंटी मारता है, ताला लगा है। अरे चचा, विलियम भाऊ अभी तक कॉलेज से आया नहीं लगता है। किसने बोला? देखा, किसने खा लिया ना, तेरे को बताया था। अब निकल, निकल ऐसे, तेरे को तो इस महीने का पैसा नहीं मिलेगा, निकल। इचा मायला, ये भूखर पूरा टिफिन खा जाएगा। रे बाबा उठा ले। सला सला। विलियम का रिक्वेस्ट पर अकबर टोपी विलियम का ऑफिस गया और ऑफिस से मालूम पड़ा कि वीजा और बीसी वाला कस्टमर विलियम को ऑफिस में नहीं देख के उसकी अगेंस्ट फ्रॉड का केस रजिस्टर करने के वास्ते नागपाड़ा पुलिस स्टेशन गया होता तो ये स्टूपिड भी पुलिस स्टेशन गया, अगर नहीं जाता तो ये स्टोरी नहीं बनती। आगो होगा भाई, यहाँ पर बारिश हो रही है। हाँ, अब अपने घर पे वहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, मैं कैसे बताऊँ? अब जल्दी से बोल, किस लिए फोन किया तूने? मेन बात पे आ जा। देख मैंने कैसे पहचाना तूने बीजी के पैसे के लिए फोन किया है। नहीं 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 नहीं, टेंशन मत ले, मैं 3 बजे हाफडे छुट्टी लेके जाता हूँ, बीजी का पैसा लेके आता हूँ, शाम को हम मस्त की दागिना खरीदने जाएंगे। हाँ रख, अब रख, हमने बोला ना। काय परब,
बायको साठी दाग दागिने लगता आज तुम्हारा बीसी का नंबर है। सर एक्चुअली ये कोमल बाई विलियम के फ्रॉड केस की विक्टिम, बाद में विलियम इसकी लालच का विक्टिम बना, बेवकूफ गड्ढा। गरीब औरत हूँ साहब, साहब मैं लोगों के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करने का काम करती है साहब। साहब मैं अपने औरत को बाहर गाँव भेजना चाहती थी साहब। साहब एक एक पैसा जमा किया, एक एक पैसा जमा किया मैंने साहब, वो सारा पैसा उठाकर एक आदमी को दे दिया जो लोगों को बाहर गाँव भेजता है साहब। बना सुबह वो आदमी मेरा पैसा लेकर, इन सब का पैसा लेकर भाग गया साहब। क्या हुआ? हम सब का पैसा लेकर भाग गया साहब। क्या नाम क्या था आदमी का? विलियम वीजा वाला। विलियम वीजा वाला? हाँ साहब। वो लंबे बाल वाला? हो साहब। वो जो बीसी चलाता है वो? हो साहब। जो मालाड आलम के पास रहता है वो? हो साहब। जिसका ऑफिस यहाँ नागपाड़ा में वो? हो साहब। भाग गया? हाँ भाग गया साहब। पैसा लेके? हाँ साहब। क्या हुआ? अरे देखो पैसा कहाँ चला साहब। आ आ आ आ आ पानी दो, जो पानी लेके आ अरे साहब को बुलाओ। अरे साहब ना कहाँ चला पानी? अरे इसको क्या हुआ साहब? कौन कहता है पुलिस वाले को गरीबों का दर्द का एहसास नहीं होता साहब? साहब हमारा दर्द सुनकर साहब के सीने में दर्द होने लगा साहब। अरे इसने विलियम की बीसी में सबसे बोली ज्यादा लगाई थी। आज इसका बीसी का नंबर था, बहुत पैसा मिलने वाला था, अभी गया, सब पैसा गया। अभी इसकी बीवी इसको छोड़ेगी नहीं। अरे देवा करे भी का ये गाड़ी काट रहे। ओ साहब पुअर फेलो, इंस्पेक्टर परब फालतू में हार्ट का पेशेंट बन गया और ऊपर से इस हार्ट पेशेंट का पेशेंस की वाट लगाने के लिए अकबर टोपी बारिश का मेंढक मतलब देड़का की माफी उछलते उछलते और कूदते कूदते आ गया। सलाम साहब। कौन है तू? साहब अपन अकबर टोपी भिंडी बाजार में रहता है। तो मैं क्या करूं? साहब मैं विलियम का दोस्त है। तू जा आइला सड़क के, पहले इसको अंदर डाल। साहब 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 तो देखो मेरी बात सुनो साहब, देखो मैं खाली उसका दोस्त है, बाकी उसका ये चीटिंग का धंधा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह कसम। तेरे को कैसे मालूम कि उसने चीटिंग किया है? मतलब तू उसके चीटिंग के बारे में जानता है बराबर? तो तू साले ये भी जानता होगा कि विलियम अभी कहाँ है। अगर इनको पता चला कि मैं उस हरामखोर चमड़ीबाज विलियम के टच में हूँ और उसी के कहने पे यहाँ आया हूँ, तो ये पुलिस वाला मुझे नागपाड़ा से भिंडी बाजार तक नंगा दौड़ाएगा। मुझे नहीं पता ऐसा, मां कसम नहीं मालूम। नहीं चल फोन मार। किसको? तेरे बाप को। अरे मेरे बाप को काय को साहब, अरे मेरा बाप तो खुद वांटेड है पब्लिक को टोपा पहना के। साहब मेरे खुद के 2000 निकलते हैं उस पे। अगर इसने विलियम को फोन किया तो विलियम बता देगा कि मैं ही इसका आदमी हूँ, तो फिर भिंडी बाजार तक नहीं डोंगरी चार नल तक नंगा करके दौड़ाएगा। अरे साहब अब कहीं को पैसा वेस्ट करेगा उस भूतिये पे? मैं ना मैं फोन करता है साहब। हेलो हाँ भाई विलियम, अकबर टोपी बोल रहा हूँ। अबे भूतिये क्या नाटक कर रही तेरा, पता अभी तेरी वजह से चौकी मुझे कितना बात सुनने को मिल रहा है। हेलो हेलो अबे सुना क्या भूतिये? टोपी तेरी घंटी बज रही है। साहब तेरा फोन बज रहा है। भाई उस चिटर का दोस्त भी चिटर बज रहा है। सब बज रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन है। इसमें क्या है ना वो जो सेकंड लाइन का घंटी है ना, वो अंदर से भी सुनाई देता और बाहर से भी सुनाई देता। अच्छा कमाल है, मेरा भी बाहर से सुनाई देता है। क्या थप्पड़ समझ रहे मुझे तू? इसमें समझने का क्या है? नहीं मैं कहने का मतलब है साहब मुझे समझना ही नहीं है, मैं समझना चाहता ही नहीं हूँ। देखो साहब ऐसा वो भूतिया विलियम ना वांटेड नहीं हुआ है, मेरी मानो उसका एक घर है, उसको गिरवी रखवा और अपना पैसा वापस ले लो। अरे जो मेरा पैसे लेके भाग गया उसका क्या? वही पैसा लाने को बोल, घर को काहे को गिरवी रखने का?
वही पैसा चाहिए ना? हाँ। नहीं मिलेगा। हाँ, काइकू? वो विलियम है ना, उसके साथ कुछ झोल हुआ है। झोल? हाँ, उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, वो सारा पैसा लेके वनटास हो गई। अगो भाई। देखो साहब, ऐसा है, मैं बोलता हूँ आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। विलियम का घर गिरवी रखवाओ और अपना पैसा ले लो। सारा बराबर बोल रहे थे। साड़ोंगे, चाय पिला। अरे छोड़ो ना साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए चाय वाय क्या। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए मंगवा रहा हूँ।